राजस्थान में निकाय चुनाव मतदान का दौर जारी है और लोग अपने अपने घरों से निकलकर मतदान बूथ तक पहुंचने लगे हैं। धीमी गति से शुरू हुए मतदान में अब तेजी आने लगी है और शाम तक ज्यादा से ज्यादा मतदान होने की उम्मीद की जा रही है। जाहिर है आम लोगों की समस्याओं से जुड़े इस चुनाव में आम लोगों के साथ ही खास लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में बीकानेर से सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अपनी धर्मपत्नी पाना देवी के साथ वार्ड नंबर 6 के लिए मतदान किया। साथ ही अर्जुन राम मेघवाल ने आम जन से ज्यादा मतदान करने की अपील भी की। देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ जूम न्यूज पर। स्थानीय सरकार चुनने का एक अवसर है, लोकतंत्र में स्थानीय सरकार चुनने का भी एक बड़ा पर्व होता है और मैं आज देख रहा हूँ कि बड़ा उत्साह है जनता में अपने पार्षद को चुनने का और पार्षद फिर महापौर और उपमहापौर को चुनते हैं। संविधान निर्माताओं ने जो भावना प्रकट की थी कि स्थानीय सरकार चुनते समय भी मतदान करते समय उत्साह होना चाहिए, जो आज मैं देख रहा हूँ, कब उन्होंने चर्चा करते समय ऐसा सोचा होगा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में 1949 और उसके बाद ये उत्साह एकदम। आप देखिए मैं यहाँ बहुत पहले आ गया था, तब भी लोग थे और अभी भी 150-200 लोग खड़े हैं, लाइन है। ये लोकतंत्र को मजबूत करने के मुझे निशान संकेत लग रहे हैं, ये अच्छे संकेत हैं। मैं मतदाताओं को ये अपील करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें, ये आपके स्थानीय सरकार चुनने का जो लोकतंत्र का पर्व है उसमें भागीदार बने। देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरे एक साथ होकर के, एकजुट होकर के, सबको साथ लेकर के चुनाव लड़ती है, इसमें एक व्यक्ति का कोई रोल नहीं होता है। देखिए स्थानीय सरकार में 4-5 जो मुद्दे रहते हैं वो मुद्दे हैं, जैसे सड़क का है, नाली का है, सफाई का है, सीवरेज का है, ये मुद्दे तो हैं ही। लेकिन जो हमने दृष्टि पत्र जारी किया है उसमें हमने वाईफाई वार्ड बनाने की बात भी कही है, हमने पर्यावरण संतुलन बनाने की बात भी वार्डों में की है, वाटर हार्वेस्टिंग की बात भी हमने की है, सोलर पावर प्लांट हम लगाएंगे ये बात भी की है।